कहन बंद कर दो हो सके हाँ इनको बंद कर दो सुनो इनको नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जहां सरकार एक तरफ अपनी नई नई गाइडलाइंस जारी कर रही है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके, वहीं अब हाई कोर्ट की तरफ से भी कई तरीके के गाइडलाइंस लाए गए हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट भी कई तरीके के निर्देश दे रहे हैं कि अब जो भी जिला न्यायालय है यानी जिला कोर्ट है उन सबको अब वर्चुअल तरीके से चलाने के हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं, जिसको लेकर के आज नालंदा के बिहार शरीफ में हंगामा देखने को मिला। जी हम आपको बता दें कि बिहार शरीफ में वकीलों के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिला है। उनका कहना है कि हमें बिना सूचित किए गेट को बंद कर दिया गया, कोर्ट के गेट को बंद कर दिया गया और प्रतिबंध लगा दिया गया अंदर आने के लिए। उसको लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जब तक ये गेट नहीं खुलेगा तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जज का कहना है कि हमें ऊपर से आदेश आया है यानी कि हाई कोर्ट से आदेश आया है जिसका मैं पालन करवा रहा हूं और जिस इसके लिए ही गेट को बंद कर दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इसके ऊपर अधिवक्ताओं का क्या कहना है और जज क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। आज कोविड-19 के प्रकोप के आड़ में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी आपसी सहमति और वार्ता के न्यायालय परिसर के गेट को बंद कर दिया है और गेट बंद करने में यह निर्देश दिया गया कि अधिवक्ताओं का भी गाड़ी प्रवेश नहीं करेगा, आम जनता नहीं आएगा और नहीं आएगा और बिना किसी पूर्व सूचना के वर्चुअल मोड में कोर्ट चलाने का उन्होंने एक तरफा मनमाना निर्णय लिया। जब हमारे संघ के बड़े अधिवक्ता उनसे इस संबंध में बात करने की कोशिश किया तो उनका जो व्यवहार और उनका वक्तव्य बिल्कुल अमर्यादित और अधिवक्ता के सम्मान हित के विरुद्ध था। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम कीजिए, जबकि यह स्थापित है कि न्याय प्रणाली में माननीय न्यायाधीश और अधिवक्ता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। बिना दोनों के आम जनता को न्याय नहीं मिल सकता है, आम जनता के हितों की रक्षा नहीं हो सकता। उनके इस मनमानापूर्ण और अमर्यादित व्यवहार और वार्ता के कारण हम लोग के संघ के अधिवक्ताओं के मान सम्मान पर आघात पहुंचा, ठेस पहुंचा। इस वजह से हम लोग ने आपात बैठक किया। आपात बैठक में सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जो वर्तमान में पदस्थापित हुए हैं, इनका निर्णय, इनका आचरण, इनका व्यवहार बहुत ही अमर्यादित और मनमाना पूर्ण है। बिना सूचना, बिना वार्ता के, बिना सहमति के एक तरफा निर्णय लेते हैं, इसलिए न केवल फिजिकल बल्कि वर्चुअल कोर्ट का हम लोग अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया है और हम लोग न्यायालय परिसर में जब आम जनता और अधिवक्ताओं की कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर जाने की क्या आवश्यकता है, इसलिए हमने बहिष्कार का निर्णय लिया है कि जब तक जो है सम्मानजनक पूर्ण रूप से वो संघ में आकर खेद नहीं प्रकट करते हैं और इस संबंध में सम्मानजनक वार्ता कर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तब तक जो है हम लोग न्यायालय परिसर में कदम नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि हम लोग कोई न्यायालय परिसर में वार्ता से भी कम। माननीय परसों हमने अधिवक्ताओं और अफसर्स की मीटिंग की थी और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि केवल अर्जेंट मैटर की हियरिंग हो आज तक के लिए और आज शाम में अधिवक्ता और अफसर्स की मीटिंग का प्लान हम लोगों ने बना रखा था, लेकिन रात में माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा हमको निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से कोर्ट को वर्चुअल मोड में लाया जाए और जनरल पब्लिक की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया जाए। जनरल पब्लिक की एंट्री को प्रतिबंधित करने के लिए यही एक तरीका था कि गेट पर
अनधिकृत भीड़ को रोका जाए, इसके लिए गेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो भी व्यक्ति थे सबको ये अनुरोध किया गया है कि आप लोग वर्चुअल मोड से कोर्ट में जुड़िए। लेकिन कुछ अधिवक्ता ये जबरदस्ती करने लगे कि नहीं, हमको कोर्ट में जाने दिया जाए, और ऐसा कोई विधान नहीं है कि अब हम हाई कोर्ट के निर्णय को सबसे पहले किसी को संसूचित करते और तब आदेश निकालते। हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में हमने वर्चुअल मोड में जाने का निर्णय लिया है। वह निर्णय हमारा अपना निर्णय नहीं है, वो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है। कोई माने न माने तो जिसका आदेश है उससे जा करके वो शिकायत कर सकता है, हमारा उसमें कोई आदेश नहीं है। हमने न तो किसी को रोका है, हमारी सारी कोर्ट्स जो हैं वर्चुअल मोड में हैं और ये अनिश्चित काल तक वर्चुअल मोड में, जब तक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं होता है, ये चलती रहेंगी। हमारा उद्देश्य जन सामान्य को न्याय देना है। उस जन सामान्य को न्याय देने में माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में जो भी संभव कार्यवाही होगी हम करने के लिए तत्काल हैं। हमारी सारी कोर्ट खुली हुई हैं और हम वर्चुअल मोड में काम करने के लिए सब तैयार हैं। तो आपको बता दें कि अधिवक्ताओं का कहना है कि बिना सूचित किए इस गेट को बंद कर दिया गया है, जो कि गैर कानूनी है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं जज का कहना है कि कोरोना के जिस तरीके से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जब आदेश आया हाईकोर्ट की तरफ से तो हमें तत्कालीन कार्रवाई करनी पड़ी, यानी तत्कालीन ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमें इस गेट को बंद कर दिया जाए ताकि वकीलों का और जो आम लोग हैं उनका आना जाना बंद हो जाए, जिससे कि कोरोना का खतरा कम हो सके। इसके लिए हम लोग ये निर्णय लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर लगातार बवाल जारी है। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस पे क्या कुछ कदम उठाती है। और भी ऐसे अपडेट्स के हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।